मुकेश भाई तो हमारा आगे चला गया, वो थोड़ा प्रो है इस मामले में, समझ रहे हो? अगर हम प्रो हैं तो वो प्रो मैक्स है। यस, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, और तेज चले जा, कहीं ऊपर से ट्रेन पकड़नी हो ना, मतलब फिटनेस शो ऑफ करे तो कोई कैसे करे, ऐसे करे। टेस्ट करके बताओ कैसा है। चले, फोन खत्म हो गए हो तो ये तो पहले फोन फेंक दो। 5 मिनट नहीं हो, 5 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। अभी नहा धो के, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा, नहा धो के अपन निकल लिए हैं। आगे देख रहे हैं, कुछ चाय पानी पी लें, उसके बाद हाँ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने का कर ताराकोटी तक ऑटो लेंगे और फिर वहाँ से फिर पैदल चढ़ाई शुरू करेंगे। अब एनर्जी कैसी है? हाउ इज द जोश? यस, वेरी हार्ड। चाय पी लिए, स्लाइस ऑटो में बैठते हैं, बाणगंगा की तरफ चलते हैं, नया रास्ता ताराकोटरी का पकड़ते हैं। जयकारा शेरावाली दा, बोल चाचे दरबार की जय। हम जा रहे हैं नए रास्ते, हम जा रहे हैं नए रास्ते पे। ऑटो वाले भैया मिल गए, ऑटो वाले भैया मिल गए। भैया आज रश कैसा है? है, रश नहीं है आज ज्यादा। चलो फिर तो बढ़िया है। ताराकोटी पे पहुंचने वाले, यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे अपने। ऑटो बस खींच रहा है, पेट्रोल पे रह गया सारे ऑटो। सुरेश भैया बड़े स्वीटली हमसे पूछने आए कि यार पिट्ठू बैग ले लो। तो गाइस कोई भी बड़ा बैग लेके आता है तो पिट्ठू बैग ले लिया करो। गाइस क्या रेट है सर पिट्ठू बैग का? 540 रुपये एक बैग का, या एक बंदे का? अच्छा, जितना सामान हो, कितना भी सामान आप उठा सकते हो 540 रुपये ऊपर तक। अच्छा अच्छा, 3-4 बैग के 540 रुपये भैया ले लेंगे। बाकी आप पहुँच गए, अब करते हैं। रास्ता यहाँ से है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, फिर ये ऐसे चढ़ जाएंगे हम। लेट्स बिगिन अवर जर्नी गाइस, इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 3 to 4 hours। 9 बज रहे, कोशिश करेंगे 12 बजे तक ऊपर पहुँच जाए, और इसके बाद फिर वापस भी तो आना है। तो गाइस वॉशरूम की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, वॉशरूम दिखा देता हूँ। जैसे आप घुसते हो तो घुसते ही यहाँ पर वॉशरूम है, और अंदर भी बढ़िया साफ सुथरा वॉशरूम है, कोई यूज कर सकता है। तो गाइस किसी को अगर भूख वगैरह लगती है तो स्नैक्स के इंतजाम यहाँ पे भी है रास्ते में, पहले नहीं चालू हुए थे, अब हो गए चालू। मुकेश भाई तो हमारा आगे चला गया, वो थोड़ा प्रो है इस मामले में, समझ रहे हो? अगर हम प्रो हैं तो वो प्रो मैक्स है। यस, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, और तेज चले जा, कहीं ऊपर से ट्रेन पकड़नी हो ना। अभी ये पूरी ट्रेन में हमारे साथ आया, यहाँ पे भग लेगा ऐसे। पूरी ट्रेन में हमारे साथ नेताजी के साथ लगा रहा है ये। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि जो अपनी क्लास के कमजोर छात्र होते हैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो भग लिया, बहुत तो भग लिया भाई साहब, मिनट से पहले खरगोश बन गया। तो ये देख लो, उल्टा उल्टा चल गया। हाँ, ये देख लो, मतलब फिटनेस शो ऑफ करे तो कोई कैसे करे, ऐसे करे।
अच्छा गाइस टॉयलेट वगैरह भी सब यही है और काफी साफ सुथरे है। यहाँ पे बैम्बू लगे हुए हैं तो बैम्बू भी काटते रहते लोग। और यहाँ पे ऐसे ऊपर जाने का भी रास्ता है फोटोज वगैरह लेनी हो तो। ये देख लो भाई हमारा प्रो मैक्स, ये है आईफोन, हम हैं आईफोन प्रो, ये सबसे बड़ा वाला आईफोन प्रो मैक्स। हमसे सीधे नहीं चढ़ रहे ये भाई, उल्टा चढ़ के दिखा रहा है हमको। देख लो भाई, मतलब कोई फिटनेस को कैसे शो ऑफ कर सकता है वो इससे सीखे कोई। पूरे रास्ते में हर जगह पे ऐसे बैठने की जगह बनी हुई है, डस्टबिन लगे हुए हैं, और अगर किसी को इस पर ठंडे ठंडे पे नहीं बैठना है तो आगे जैसे बेंच रखा है बेंच पे बैठ सकता है। मुझे जरा बेंच पे बैठ के दिखाओ, ऐसे बैठ सकता है। अगर किसी को बैठना नहीं आता हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है, और चले फिर उठ के। चलो दिखाते रहेंगे ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे ऐसे भी गाइस बने हुए रास्ते में, अब ऐसे इतना मस्त ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि चढ़ाई के साथ साथ आप एलिवेशन गेन करते हो और उसके बाद बहुत सही नज़ारे हैं। अभी तो थोड़ा पेड़ पेड़ है, थोड़ी और ऊपर जाएंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। हम तो गाने लगा लिए मस्त। हाय अर्जुन भैया कैसे हो, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। चलो बढ़िया, चलो फिर जय माता दी। और गाइज रिक्वेस्ट है, पूरे रास्ते में हर जगह डस्टबिन है तो यार, और टॉयलेट्स है, कचरा वचरा नहीं करो यार इधर। हमने पीछे दो जगह देखा ना बॉटल वॉटल गिरी हुई थी, यस, लोगों ने ऐसी फेंक दी बॉटल, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जो फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं तो वाई नॉट यूज इट गाइस। बाकी चलो आगे आगे चलते हैं। अच्छा और रास्ते में ना पानी पीने वाले गरम ठंडे दोनों के लिए डिस्पेंसर्स लगाए हुए हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सही सांस चढ़ गए यार, 125 हो गई हार्ट रेट। व्यूज ऑन व्यूज ऑन व्यूज, इसको पकड़ लेते भाई, डर लग रहा है। चलो चलते तो कहीं ये ना ऐसा कुछ श्राइन बोर्ड का लंगर सेवा है, यहाँ पे आके आप कुछ भी खा सकते हो, दाल चावल है, कढ़ी चावल है, राजमा चावल है, वो सब खा सकते हो। हम दो नीचे नाश्ता करके आए तो हम नहीं खा रहे, बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो खा रहे हैं। और भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे फुहारे वुहारे फाउंटेन बहुत तगड़े लग रहे हैं। और ये लोकेशन पीछे पहाड़, इधर देखो तो इधर भी पहाड़, और अभी ऊपर जाना है इतने ऊपर। तो मुकेश भाई अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं, इनकी दुकान ही नहीं बंद होती, बिजनेसमैन लोग ऐसे ही होते हैं, कभी नहीं फ़ोन रख सकते ये लोग। पर भाई अपना क्या है, जो ट्रैवलर आदमी है थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा रहे हैं, इनकी तरह कहाँ छाप सकते हैं। अरे सुरेश भैया मिल गए फिर इधर, सुरेश भैया को किसी ने हायर कर लिया पिट्टू के लिए, बढ़िया मज़ा आ रहा है। चलो भाई दाल और हलवा, यस दिस इज दाल चने चने दाल, दिस इज द दाल एंड द हलवा फ्रॉम द लंगर सेवा। टेस्ट करके बताओ कैसा है। यम्मी। यम्मी। भाई जी लंगर की जितनी प्लेटें होती हैं उनकी खुद ही साफ करनी होती है और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए गाइस। धोलो इसमें धोलो। तो आप गाइस खुद खाओ, मतलब वो देंगे आपको और आपको खुद ही बर्तन धोने हैं। तो बर्तन धोने के लिए चार स्टेशन है, जिसमें पहला रिंसिंग है, दूसरा वही साबुन लगा के विम बार, तीसरा उसको साफ करो, चौथे में फिर पोटेशियम पर मैग्नेट में डिप कर दो, फिर एक बार क्लीन बाथ, और फिर वैसे रैक में सजा दो। बढ़िया है, अवेयरनेस है। अभी एक लड़के ने वो पूरा पानी गंदा कर दिया था तो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि वो पूरा पानी चेंज हो ताकि पूरे बर्तन उससे ना गंदे हो जाए। तो अच्छी चीज़ है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग ऐसे हैं कि शायद ये दिखाते नहीं हैं लेकिन ये उससे ज़्यादा ही करते हैं।
यही है, गुडविल इज गुडविल, राइट। चलो खा पी के हो गया, दोबारा से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। लंबा ही ब्रेक हो गया वाला, तो पता नहीं 12 बजे तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। हम निकले थे 9:15 और अब बज रहे हैं 10:15, एक घंटा हो गया। एक घंटे बाद ये ब्रेक लिया है और मैंने तो स्निकर खा लिए, खाना मैंने खाया नहीं है, बता पेट में दर्द हो जाए, उल्टी हो जाए, तो रिस्क लेंगे नहीं अपन। चॉकलेट खा लिए, बस चॉकलेट खा के चलेंगे। फाउंटेन। सर मुझे रेडी हो गए गॉगल पॉगल लगा के, चले चले, फोन खत्म हो गए हो तो ये तो पहले फोन फेंक दो। अरे यार ऑफिस से काम नहीं करेगा। अरे भाई मालिक आदमी भी ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसे काम बनेगा। ये तो नौकरी करते हो तो अलग बात है, तो मालिक आदमी है। हाँ गॉगल वॉगल लगा लिए, मस्त मस्त लगा लिए, बढ़िया मजे आ रहे हैं। यहाँ पे ना सब बोस के स्पीकर लगे हुए, इसमें गाने चलते रहते हैं, सब वैसे ही बोर नहीं होते हो। पर अगर आप फिर भी अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन लगाना चाहते हो जैसे, तो लगा सकते हैं। इजी हो जा थोड़ा सा, चढ़ाई देख लो। सचिन भैया का ही बैग उठा लिया अब तो मैंने, कैसा लग रहा है बिना बैग के? भाई मेरा बैग तरुण सर ने ले लिया है और मुझे बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है। रिलीफ अब मुझे जब होगा जब मेरा बैग उठा लेंगे। ओ यार अभी रह गया थोड़ा सा। अर्धकुंवारी कितनी देर में आ जाएगा? अर्धकुंवारी थोड़ी देर रह गई है, हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी और बहुत जल्दी हम अर्धकुंवारी के दर्शन कराएंगे। चलो गाइस अर्धकुंवारी में मिलते हैं। भाई मुकेश भाई मिल गए और हम पहुंच गए नए मार्ग से, ताराकोट मार्ग से अर्धकुंवारी। है सचिन भाई जूस निकला कि नहीं निकला? जूस नहीं निकला, माता रानी शक्ति दे रही है और हमारी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है, आधी रह गई है। माता रानी हमको शक्ति दे, खुले दर्शन, बढ़िया दर्शन, आइए। जय माता दी। व्हाट यू हैव टू से ब्रो? बड़ा कंफर्ट भी हो रहा है। हाँ ये भाई मैं बता रहा हूँ, अगली बार आएंगे तो मैं और सचिन भैया आएंगे। ये है भाई घोड़ा, ठीक है, मतलब इसे अकेले आओ, इसे अकेले भेजो, इसे नहीं चाहिए कोई और इसके साथ। अरे यार ऐसा तो नहीं पाओ दिल को ना, पता कहते हैं मेरे को चलने में ना मजा आता है बड़ा, भागने में दौड़ने में साथ चलने में मजा आता है ना, बड़ा मजा आता है साथ चलने में, मजा आता है ना। तुम अलग अलग भाग रहे हो तुम्हारे साथ अपना बताओ ना, वेट के बिना आधा घंटा होता, आधा घंटा में वेट तो साले वेट करने से अच्छा साथ साथ चल ले, चल साथ चलेंगे क्यों चिंता। चलो गाइस ओनली 5 मिनट, 5 मिनट नहीं हो 5 किलोमीटर। सर हम लोग 80% आ गए हैं, मतलब हमको भवन दिख रहा है यहाँ से, उधर है भवन, फिर यहाँ से आगे पत्थर गिरने की आशंका है। बहुत सारी जगह ऐसे ट्रिन टूटा हुआ है। ओ भाई एनर्जी तो बिल्कुल ही लो हो गई। हाँ मुकेश जी कैसी एनर्जी है? कैसी एनर्जी? फुल टॉस, फुल टॉस। देख लो भाई यहाँ से पत्थर गिरते, शेड से कवर किया हुआ है और उधर भवन है, यहाँ पे जाल भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे होगे आप जो टिन है वो कैसे डैमेज हो रखी है ये पत्थर गिरने के जैसे ऊपर, पर प्रोटेक्शन लगाई है हर जगह, बेफिक्र हो गया हो एकदम, बस भाई तेल निकल जाता है। और अभी तो भैरव पे भी जाना है, देखते भी जाएंगे, आप सब लोगों के लिए जाना पड़ेगा। और अभी तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना भी है, तो ऊपर से ग्लेशियर का पानी आता है, मज़ा आएगा उसमें भी नहाएंगे। कोशिश करेंगे वाटर शॉट भी ले ली जाए। सचिन भैया इनकी रेल निकलने वाली है, इनकी रेल अभी 2 बजे की रेल है। भाई मुकेश अपने टाइम से 1 घंटा लेट चल रहा है, हम जो 9:15 निकले थे कायदे से 12 बजे पहुंच जाता है, लेकिन अभी अरे रहने अभी बजने वाले 1-4 मिनट में 1 बज जाएंगे, तो कायदे से 1 घंटा लेट चल रहा है हमारी वजह से।
पर चलो कभी कभी लेट भी चलना चाहिए। दरबार के दर्शन कर लो भाई, और अब इतना ही रह गया ऐसे जाने ऐसे। उधर यार फिर भाग गया, आ गया यार, भगता रहता यार, इसने रेल बना रखी हमारी तो। ओके रुक जाए यार। हाय गाइस, फाइनली आ गए भवन पे। पीछे भवन है वो देख लो, और बस ये थोड़ा सा रास्ता है, चल के जाएंगे। ओ भाई मज़ा आ गया, मतलब यहाँ आके सारी थकान ऐसे लग रहा है ख़त्म। ऐसा हो रहा है तो जैसे मतलब अभी सो के उठे हों और उठ के बाद खड़े हो गए बस। अब बस एक ध्यान देना है कि अपने को बैठना नहीं है। अगर बैठ गए नहीं, बैठना भी नहीं है हमारे, थोड़ा सा वो भी चाहिए यार। क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट। हाँ ब्रेकफास्ट चाहिए, ब्रेकफास्ट। चलो गाइस देखते हैं, दिखाते हैं सब। अब जा रहे हैं नहाने, नहा के फिर चलेंगे दरबार में। भाई बहुत ठंडा पानी, बड़ा डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। हम जाएंगे क्या करें नहाने, और नहाने के बाद जो कंफर्ट फील होगा ना, सारी थकावट छू मन तो हो जाएगी एकदम। अरे भाई छोड़ यार, मरेगा जाके। A few moments later, इतना ठंडा पानी था ऐसे बस जमा ही नहीं हुआ ये, नहीं तो बर्फ से भी ठंडा अगर कुछ हो सकता है ना तो वो पानी था ये। तो ये वो पानी था सबसे। ओहो, पर अभी कपड़े पहन लिए, पैर ही नहीं गर्म हो रहे भाई, पैर इतने ठंडे हो गए। जमीन गर्म, पैर बहुत ठंडे हो गए। इन्होंने स्वेटर स्वेटर भी पहन लिया, अपना क्या होगा। चलो दर्शन करके आते हैं, फिर भाई एक स्पेशल जगह पे लंच है। भाई हम लोग आ गए अभी भवन में, और बस एक पंडित जी है जिनको हम जानते हैं, तो उनके यहाँ पे अपना सारा सामान रखवा देंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। फोन वोन सब छोड़ना पड़ेगा, दर्शन हमारे हो गए गाइस। और वीडियो से हो गए, लंच करते हैं। श्रीधर भवन एलिवेटर, दिखाता हूँ ऊपर जाके, अगर वीडियो बनाने देते हैं तो दिखाता हूँ। बाकी दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से। बाकी अभी लंच कर ले, अगर लंच दिखाने दिया तो उधर लंच भी दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, नहीं तो भाई मैनेज कर लेना। खाना खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं बहरों पर, उसके बाद फिर नीचे फिर ट्रेन। अरे तो गाइस हम खाना खा रहे हैं, डिनर नहीं करना। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है। लाइक भी कर देना क्योंकि उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी है, और बस भाई सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। और खा के हम निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नीचे जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। बाय।